वालेकुम। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। आज हम बनाएंगे पिज्जा ब्रेड की रेसिपी और ये बहुत ही टेस्टी और बहुत ही यमी बनकर तैयार होगी सिर्फ 10 मिनट में। और ये बच्चों की और बड़ों की फेवरेट है। ये मैंने 8 ब्रेड लिए थे। आप अगर चाहें कम या ज्यादा कर सकते हैं। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। ये मैंने चिकन का कीमा लिया है और 1 टेबलस्पून इसमें नमक ऐड करके इसको उबाल कर लिया था। अगर आप चाहें तो चिकन को उबाल करके उसके रेशा रेशा भी काट सकते हैं। एक अदद मैंने शिमला मिर्च ली थी और इसको मैंने क्यूब्स में कट कर दिया था, वो हम इसमें ऐड कर देंगे। एक अदद मैंने टमाटर लिया था और इसको भी मैंने काट लिया था, वो हम इसमें डाल देंगे। एक अदद कटा हुआ प्याज ऐड कर देंगे। अब इसमें हम स्पाइसेस ऐड कर देंगे। 1 टेबलस्पून हम नमक ऐड कर देंगे, 1 टेबलस्पून चाट मसाला, 1 टेबलस्पून काली मिर्च और 1 टेबलस्पून लाल मिर्च हम इसमें ऐड कर देंगे। स्पाइसेस आप अपने टेस्ट के मुताबिक डाल सकते हैं। अब हम 2 टेबलस्पून ऑयल ऐड कर देंगे। अब इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये हमारी चीजें अच्छे से मिक्स हो चुकी हैं। 2 टेबलस्पून मैंने चिली सॉस ली थी और 4 टेबलस्पून मैं इसमें केचप ऐड कर दूंगी। अगर आपके पास पिज्जा सॉस है तो आप वो भी यूज कर सकते हैं। तो अब इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम ब्रेड का एक स्लाइस ले लेंगे और इस पे सॉस लगा लेंगे जो कि हमने बनाकर रख लिया था। अच्छे से फैला लेंगे। सॉस लगाने के बाद चिकन और सब्जियों को जो हमने मैरिनेट करके रखा था वो इस पे हम लगा लेंगे। अच्छे से फैला लेंगे। मैंने मोजरेला चीज को कद्दूकस कर लिया था, वो हम ब्रेड पे लगा लेंगे। तो इसी तरह हम सारे ब्रेड को बना लेंगे। हमारे सारे ब्रेड बनकर तैयार हो चुके थे। अब इन पर हम मशरूम लगा लेंगे जो मैंने काट कर रख लिए थे। और अब जैतून लगा लेंगे। ये हम एक पैन ले लेंगे और 2 टेबलस्पून हम इसमें ऑयल ऐड कर देंगे और अच्छे से ग्रीस कर लेंगे पैन को। अब हम पिज्जा ब्रेड को पैन में डाल देंगे और 5 मिनट के लिए हम स्टीम कर लेंगे। तो ये हमारी बहुत ही मजे की और बहुत ही टेस्टी पिज्जा ब्रेड की रेसिपी बनकर तैयार हो चुकी है। आप इसे जरूर ट्राई कीजिएगा। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।